हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखो, पहले हम पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर किसे बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स, अब ऑर्डर्ड पेयर किसे बोलते हैं। पहले तो हम देखो, सपोज करो कि हमारे पास ए कोमा बी है पेरेंथेसिस में, इसमें है पेरेंथेसिस में। अब यहां जो ए है, ए को हम बोलेंगे फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। और बी को बोलेंगे सेकेंड एलिमेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर पेयर किस इसे बोलते हैं कि कहीं भी आप ए कोमा बी आ जाए तो हम उसे बोलेंगे, ये के पेरेंथेसिस में उसे हम बोलेंगे ऑर्डर पेयर्स में, किसमें है ऑर्डर पेयर्स में। अब सपोज करो कि हमें ऑर्डर पेयर्स में इक्वलिटी लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। देखो, अगर सपोज करो आप ए कोमा बी लिख रहे हो तो वो बराबर होगा बी कोमा सी के। अब इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हैं जैसे कि ये एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के ही बराबर होगा, यानी ए बराबर होगा बी के और बी बराबर होगा सी के। तो हम ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी एन B is equal to C और इसमें इक्वलिटी A से बनेगी, इसमें इक्वलिटी A से बनेगी। जैसे हम जैसे नंबर्स में लाएं, देखो 1 और 2 है तो दूसरी तरफ भी 2 और 1 बराबर नहीं होंगे, कभी भी ऐसे बराबर नहीं होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे। अगर हम कहना चाहें कि 1 बराबर हो 1 के तो ऐसे ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो हमें ऐसे लिखने पड़ेंगे 1 2 is equal to 1 2, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर हो, तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज डिनोटेड बाय A cross V। कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट ऐसे डिनोट की जाती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने शायद नाम भी सुना हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सपोज करो कि हम A cross B फाइंड करना चाहते हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो, एक एलिमेंट पहले तो हम एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट है यहां ले लेते हैं A is equal to 1, 2, 3, सपोज करो, सॉरी 1 के बराबर 10 और B बराबर है 2, 4। अब हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो, A cross B is equal to, A के एलिमेंट क्या है 1, cross B के एलिमेंट क्या है 2 और 4, A cross B। देखो, पहले अब A cross B में क्या होगा, यही तो ये हमारे लिए जो ये जरूरी होता है, यहाँ हमें बहुत ही काम आ रहा है। अब जैसे हम आगे बाइनरी रिलेशन पढ़ेंगे उसमें भी, यानी ऑर्डर्ड पेयर बहुत ही ऑर्डर्ड पेयर का बहुत ही रोल है। देखो क्या करेंगे,
पहला एलिमेंट यहाँ से लेंगे, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ कितने हैं, दो एलिमेंट है, दो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो 1 2 से और फिर 1 4 से, ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। अब देखो, अब हमें, मैं आपको यहाँ एक फॉर्मूला बताता हूं जिससे आप डायरेक्टली बता देंगे कि जो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी होगा उसके अंदर इतने एलिमेंट बनेंगे, ऐसे पेरेंथेसिस वाले। देखो इसमें क्या है कि आप ए के एलिमेंट लो, ए के एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ ए इनटू एलिमेंट्स ऑफ, अब ए के एलिमेंट लो बी में मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या करो, ए के एलिमेंट कितने हैं, 1 है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, बी के एलिमेंट कितने हैं, 2 है, आंसर क्या आया, 2 आया, तो यहां पे एलिमेंट कितने बने, 2 बने। अब सपोज करो यहां हमारे एक एलिमेंट भाई 2 है और बी के एलिमेंट 4 है, तो कितने होंगे, 8 बनेंगे। तो आप ऐसे बता सकते हो कि ऐसे पेरेंथेसिस वाले एलिमेंट जो ए क्रॉस बी करेंगे उसमें इतने बचेंगे। देखो जैसे हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऑर्डर पेयर किसे बोलते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट किसे बोलते हैं। अगर प्लीज समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।